अरे वाह, सो मैं हमारे जितिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे यहाँ से जो व्यू है, ये शिज़ु है, ये लहासा है, ये डैशाउंड है, वो भाई साहब चाव चाव है, उधर वहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, संभल के जाना, उससे बच के जाना, इरादा है तो ये बच के रहती हो। What's up everybody, क्या हाल चाल। सो मैं हूँ मुंबई में। तो आज मैं बहुत टाइम से ना हमारे जो आपको पता है सीजा दो चाओ है, जो उनकी मम्मा है ना, उनके थ्रू जो है मेरी बात हुई नेहा पेन से दी से। इफ़ यू डोंट नो नेहा दी, वैसे तो आप अभी देख लिया होगा थंबनेल, तभी आप इस वीडियो में आए हैं। तो नेहा दी जो है बेसिकली कितने सारे सीरियल्स, कितने सारे मूवीज़, मराठी मूवीज़ और अलग अलग यू नो टीवी सीरियल मूवीज़ में दिखाई देते हैं। और अभी रिसेंटली उनका जो शो चल रहा है भाभी जी घर पर है, उससे तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उस शो की वजह से बहुत ज़्यादा लोग उनको जानते हैं। तो आज जो है मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनके पास जो है 5 डॉग्स हैं अलग अलग ब्रीड के। तो मैंने सोचा अगर मैं आया हूँ और उनके पास डॉग्स हैं, वो एक कोर डॉग लवर है, तो उनसे बिना मिले कैसे चला जाऊँ। यहाँ पर मैं बिल्कुल खड़ा हूँ मुंबई के एक एंड पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ से जो है समुंदर ही समुंदर है, और अभी पीछे जो है नेहा जी का घर है। तो अभी हम जाएंगे नेहा जी के पास, उनके बच्चों से मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो आज हम उनके साथ करेंगे। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। तो अभी पूरा का पूरा व्लॉग देखेगा, तो ज्यादा समय लेते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं नेहा दीदी के घर के। सो अभी मैं बेल बजाता हूं और हम आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो दीदी, कैसे आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज दीदी को वैसे मैं दशहरे वाले दिन थोड़ा सा फेस्टिवल के वाले दिन तंग करा है। नहीं बिल्कुल नहीं, गैंग देखो आ गए, सारी मेरी पलटन आ गई इधर, गैंग तैयार कर रहा है स्वागत। अरे भाई से डर लगता है। अरे वाह वाह वाह, आ जाओ आ जाओ प्लीज। हेलो 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 हेलो, इतने शांत। अरे अरे अच्छा अच्छा, इधर भी है। ए आ आ, नो नो, इनको भी डर लग रहा है। वाओ, देख रहे हो यार, ये अभी पलटन के बारे में तो बात करनी है आज हमें स्पेशल, ये इतनी खतरनाक। और अभी व्यू भी दिखाऊंगा। अरे वाओ, सो मैं हमारे जितिन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे यहाँ से जो व्यू है दी बहुत प्यारा व्यू है, मतलब ठीक है, इट्स रियली अ ड्रीम प्लेस है ना, कि यहाँ पे रहा जाए। अच्छा तो यार ये बड़े शांत है आज, क्या बात? शायद अभी खाना खाया होगा इसलिए पेड़ भरा है। नहीं, मैं इनकी स्टोरीज वगैरह देखता रहता हूँ, ये तो आपके इंस्टाग्राम पे इन्होंने तो तबाही मचाई हुई है। बिल्कुल। दी मैं चाहूंगा कि कुछ बातें जो मैं स्पेशली आज करने, मैं अपनी ऑडियंस को भी बताया था कि कुछ इन बच्चों के बारे में आपके जो आप एक मेरे को मुझे पता है कि आप कोर डॉग लवर है ना, आप और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर है वो तो आपसे भी बड़े शुरुआत से कोर डॉग लवर है ना। तो कुछ बातें करते थी प्लीज। सो दी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपको दशहरा हैप्पी दशहरा, आपको भी हैप्पी दशहरा, आपके सारे दर्शकों को भी हैप्पी दशहरा। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आएगा शायद दिवाली के बाद, सबको हैप्पी दिवाली, समझ जाना मैं कब शूट हुआ है। ओके सो दी देख रहे हो एक एक करके सारे के सारे बच्चे यहाँ पर आ गए। तो दीदी टोटल आपके पास सिस्टम फिलहाल कितने डॉग है? मेरे पास 5 कुत्ते हैं, लेकिन इसमें से जो ये 4 कुत्ते हैं विच इज कुकी, विस्की एंड कपकेक और शैंपेन, जो हमारा स्ट्रीट डॉग है वो मेरे हस्बैंड के हैं शार्दुल के। ओके, और ये जो भालू है ये आपने शुरू इसको रखना आपने मतलब सोचा था इसको रखेंगे? हाँ मतलब एक्चुअली क्या इसको नहीं, मैं हाथ लगाऊंगा, रिस्क नहीं लूंगा मैं इसको हाथ लगाने, थोड़ा सा उसके साथ उसको उसका नेचर पता है, थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है उसके साथ। तो ये एक्चुअली ऐसा हो गया था कि मैंने इंस्टाग्राम में एक चाव चाव की फोटो देखी और मैंने अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से दिखाया, कहते कि कितना प्यारा कुत्ता है। तो मैं कुत्ते के प्यार में, हस्बैंड मेरे प्यार में, तो आ गया, आ गए ले लो भाई। ये शिज़ु है, ये लहासा है, ये डैशहाउंड है, वो भाई साहब चाव चाव है, वो देखना वो लुक देखना उसकी, उधर वहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, संभल के जाना, उससे बच के रहना। अच्छा दीदी चलो हम स्टार्टिंग की बात करते हैं कि वो स्ट्रीट डॉग के कैसे उड़ी है। तो सभी चलो ब्रीड डॉग है, ब्रीड डॉग्स का तो ऐसा रहता है कि हम लेकर आते हैं जी
स्ट्रीट डॉग्स तो ऐसा होता है या तो हमें कहीं मिल जाते हैं जी. या हमें कहीं से अडॉप्शन के लिए ऑफर आता है जी. तो उसका क्या क्या स्टोरी थी? शैम्पेन की एक्चुअली यही स्टोरी है. ये स्ट्रीट डॉग था और अगर आप इसे गौर से देखो तो ये बहुत ही अब्यूज्ड स्ट्रीट डॉग है. उसे काफी मारा है लोगों ने. उसकी एक आंख डिसलोकेट हो चुकी है. उसके पैर अगर देखो तो आप सारे क्रुकेट आड़े टेढ़े हैं. उसकी जो टेल है वो कट चुकी है. कान तो बीएमसी ने कटाया है क्योंकि ही इज़ अ न्यूटर्ड डॉग फ्रॉम बीएमसी. तो क्या हो गया था कि लोगों ने उसको इतना पीटा इतना मारा है कि वो बहुत ही अग्रेसिव कुत्ता हो गया था. और इसने बहुत लोगों को थाने में काटा था. इसलिए मिड डे में इसकी फोटो भी आई थी एज द मोस्ट अग्रेसिव डॉग इन थाने बीएमसी. एंड और उसका ऐसे आया करके फोटो आया और वो यहाँ पे है. देख रहे हो मोस्ट अग्रेसिव डॉग के घर पे. और इसको ऑलमोस्ट यूथनाइज करने के लिए भेज रहे थे. एंड तब शार्दुल को किसी ने बताया कि ऐसा एक कुत्ता है और उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है और वो मिल नहीं रही है इसलिए वो अग्रेसिव हो रहा है, तो क्या आप ऐसे डॉग को ट्रीट करना चाहोगे? तो शार्दुल को पता चल गया तो शार्दुल लेके आया. शार्दुल ने बहुत उसकी ट्रीटमेंट की. उसके आंख के ऊपर कुछ प्रेशर आता था इसीलिए उसको सरदर्द होता था और वो चिढ़ता था और इसीलिए लोगों को काटता था. तो शैम्पेन की ये कहानी है. बाकी ये अब फिलहाल उसकी एक आई नहीं है. नहीं है, नहीं है ना. एंड अभी वो कितना टाइम से आपके साथ है वैसे? अभी शैम्पेन ऑलमोस्ट तीन चार सालों से है हमारे पास. सो सबसे आप में से आपकी गैंग में से सबसे ओल्डी कौन है? ये हमारा ओल्डी गोल्डी है. ये हमारा जो लासा है ये ऑलमोस्ट 9 साल का है. 8 या 9 साल का है. ये अपने आप को अल्फा समझता है और सिर्फ यही समझता है और कोई नहीं समझता. ये सारे मेल है, इनमें सिर्फ एक ही फीमेल है. वो की है ये कपकेक. बंदी हमारी. तो ये कपकेक का फीमेल का क्यों कैसे प्लान बना भैया का? नहीं एक्चुअली क्या हुआ, शार्दुल को एक छोटी डॉग चाहिए थी. उसने बोला चलो बहुत हो गया, उसे बड़े कुत्तों का शौक. बड़े तो कोई है ही नहीं. हाँ, बड़े कुत्तों का शौक मुझे है. हाँ, बड़ा तो एक मुझे ही है. सब बड़े कुत्ते अच्छे लगते हैं मुझे. लैब्राडोर्स हो, गोल्डन रिट्रीवर्स हो गए मुझे. इनफैक्ट हमारे सोसाइटी में एक टिबेटियन मास्टिफ भी है. उफ, व्हाट अ रीगल डॉग. मतलब मैं वो भी चाहती थी लेकिन फिर अब मुझे घर से बाहर निकाल देगा. अरे घर में डॉग्स ही रह जाएंगे. मुझे पिटबुल्स पसंद है. मुझे बहुत अच्छी ब्रीड है. मुझे चंकी डॉग्स बहुत पसंद है और शार्दुल को सारे छोटे छोटे डॉग्स पसंद है. तो उसे एक छोटी डॉग चाहिए थी. किसी ने बोला इसको ले लो. दिखने में ये लगते हैं ये छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है. ये मुझे पता है. मेरे एक इंसिडेंट रहा है, मेरे पीछे पड़ गए थे. मैं बचा हूं. काट लेते हैं. यस यस यस. नहीं ये बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही पोजेसिव. मतलब ये तो नहीं है ना. है ये तो जब भी कैमरा पास आता है ये खोल उठती है ना. हां इसको लगता है कि कुछ है ऐसा कि पता नहीं क्या है, हमने कभी देखा नहीं. वेरी वेरी पोजेसिव. बहुत अग्रेसिव है ये. बहुत सबको नचाती है मेरे. तो इसकी अब जैसे अगर मैं बात करूं कि इसकी भी स्टोरी हमें पता ही है, तो ये भाई साहब इनकी शिट्जु की क्या स्टोरी? चलो लासा तो पहला डॉग था, भैया ने लासा लिया, अब ये शिट्जु कहां से बीच में आ गया? नहीं एक्चुअली क्या हो गया, शार्दुल को आई थिंक समझ में नहीं आ रहा था. उसको ना क्या कुत्ते बहुत पसंद है. अच्छा उनको नहीं, अब एक के लिए कोई एक और भी. हाँ, एक के लिए एक और आया. हाँ, उसके बाद एक और आया. हाँ, एक और हाँ, आया ऐसे. मतलब वो तो खैर मतलब यही होता है ना कि हर वक्त कोई कुछ कहता है कि चलो ये चाहिए वो चाहिए, तुम ये ले आओ तुम वो ले आओ. मतलब लोगों की फरमाइशें ही पूरा करता रह गया. And since he is a dog lover, I think he was okay with it. That's absolutely. अगर भैया यहाँ पर होते तो मैं उनसे और भी बहुत सारे किस्से निकलवाता. But चलो अगली बार के लिए सही. तो दी वैसे अगर मैं बात करूँ कि आप starting से जैसे you are from Mumbai, मुझे अभी आपने बताया जैसे कि आप मुंबई के रहने वाले हैं शुरू से. So you are a core dog lover from like आप शुरू से ही ऐसा आपको dog love है या ये क्योंकि कई बार क्या होता ना कई लोग नहीं होते. मेरे कितने known है, मेरे family में भी कितने लोग हैं जो पहले dog lover नहीं थे. सिर्फ मैं नहीं, मेरे पूरे मतलब फैमिली मेंबर्स, मेरे मम्मी, मेरे पापा, बहन और मैं, वी आर लाइक क्रेजी डॉग लवर्स.
हमारे पास एक स्पिट्स नाम की एक डॉगी थी, वो इंडियन फैमिली, हाँ हर इंडियन फैमिली, ये वो कौन सी मूवी थी सलमान खान की, वो टफी, टफी टफी वो टफी, ये वो टफी है जो हर इंडियन फैमिली में होती है। मेरे घर में शेरू था, आपके घर में क्या नाम था उसका? जिमी, जिमी, जिमी शेरू टफी, ये तीन नाम तो यहाँ पे लिख लो ना, ये इतिहास में लिखे जाएंगे आने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक 20 इयर्स बैक तो ऐसे ही ब्रीड मिलते थे स्पिट्स टाइप, तो वो थी हमारे पास, और वो जब गई तो हम पूरे फैमिली मेंबर्स को बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद फिर हमारे पास दो पर्शियन कैट्स आए। आप बहुत ही अपना लक आजमा रहे हो इसके साथ ही, गार्ड बैठेगी, मुझे भी काम लग रही है इस करके थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये अभी क्या कर रही है, गार्ड कर रही है कि मतलब बंदे के पास ही बैठ जाते तो आएगा नहीं। नहीं मैं पंगा नहीं लूंगा, मैं ढील, वही पांच है भाई, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो कैसा कह रहे बता दी कि आप घर पे जब आपके पास स्पिट्स था फिर? तो वो तो शी हैड अ गुड लाइफ, 14 साल जिए वो, एंड उसके बाद वो चली गई तो सबको बहुत तकलीफ हुई, एक मेंबर गुजर जाने वाली फीलिंग हुई, तो वो बोले कि अब नहीं, अब डॉग नहीं। तो फिर दो पर्शियन कैट्स आ गए, बट आई एम वेरी लकी कि मैंने एक ऐसे बंदे से शादी की जिसको कुत्ते पसंद है, मतलब पांच पांच कुत्ते पसंद है, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। तो अच्छी लाइफ गुजर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो वैसे तो दीदी आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लाइक अभी आपके शोज चल रहे हैं राइट, साथ के साथ ही और भी कितना सारा काम होता ही है, अपना पर्सनल भी इंसान का कितना काम होता है, इनके साथ कैसा मेंटेन रहता है? इनके लिए हमारे पास एक खास बंदा है कन्हैया करके, सो ही इज ओनली फॉर दीज फाइव डॉग्स। देखो ऐसा होता ना, दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप खुद टाइम दें, अदरवाइज इफ यू लव देम आप इनके लिए एक इंसान को जरूर एक, क्योंकि देखो बच्चे ही हैं ये, बिना जब एक बच्चा है और इट्स अ फॉरएवर बेबी। हाँ मतलब ये जिनकी इतनी लाइफ स्टाइल मिलती है, हम इंसानी बच्चे तो एक पॉइंट पे इंडिपेंडेंट हो भी जाते हैं। एब्सोल्यूट। लेकिन ये हमेशा के लिए जब तक है 14 साल 15 साल, ए भाई बच्चे है मेरे, तो ये हमेशा आप पे इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, सो दे आर फॉरएवर बेबी। तो ये इनको क्या सारे घर के अंदर घूमने की इजाजत है या इनका अलग से स्पेस बना? इनका बस अब मेरे सर पे रहना बाकी रह गया, बाकी सब जगह पहुंच गए। अच्छा, किचन विचन साथ, ये इनको इनको क्या घुमाने का क्या शेड्यूल रहता है? पांचों को एक साथ लेकर निकलते हैं? तो पांचों को बहुत मुश्किल। अगर एक बात बताऊं, अगर आप इनको पांचों को अकेले सामने लेकर जाओ मुश्किल हो जाता है, पागल बनती। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ऐसा हो गया कि इन तीनों को एक राउंड होता है, फिर उन दोनों का एक राउंड होता है, और दिन में ऐसे चार बार मतलब घूम आते हैं। बढ़िया, अपना टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे तो मतलब इसके इतने फैंस हैं टेडी के, हाँ मतलब मैं जब भी वो जाता है घूमने, दो चार बार उसे रुकाया जाता है, फोटोज खिंचाए जाते हैं। बट यार इसके टेडी के साथ तो ना, मुझे टेडी, जब मेरी लास्ट टाइम दी से पहले भी बात हुई थी, तो टेडी के ऊपर ही बात हुई थी, टेडी थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, मतलब क्योंकि उसकी ब्रीड भी ऐसी है, एंड चाओ चाओ यार मोस्टली गार्ड डॉग्स, बचपन शुरू से ही उनको गार्ड डॉग की तरह से ही उस ब्रीड का यू नो बिगिनिंग हुआ था, तो उसकी वजह से तो उसको तो बच के रहना बनता ही है, वो सोया बड़ा शुक्र है। हाँ मतलब एक उसका अच्छा है कि वो बाहर के लोगों को कम से कम घर में आने देता है। हाँ मतलब कुछ कुछ चाव चाव तो इतने अग्रेसिव होते हैं कि एंड यार सो वो बांधना पड़ता है, बांधना पड़ता है, उसका वैसा नहीं है। नहीं क्या शुक्र है। हाँ वो अपना आता है, स्निफ करता है, निकल जाता है, उसका वजह कि मुझे छुओ मत। अच्छा मैं एक जल्दी से एक चीज पूछना चाहूंगा, इन सभी का कोई फेवरेट टॉय है जिससे, जिसकी वजह से इनके आपस में भी बस्ती है और जिसके? हाँ, कुछ है ऐसा? कुछ नहीं नहीं तो टॉय सिर्फ इसको पसंद है। अच्छा, ये सबसे बुजुर्ग है और सबसे बचपना इसमें ही है। हाँ सबसे ज्यादा बचपना इसमें, तो उसका ना एक वो आवाज करता है ना, चू चू करता है ना। हाँ तो वैसे अभी भी अगर मैं निकालूंगी तो निकालते ना, मैं दिखाता हूँ। मैं ये चीज स्पेशली इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ना अभी ये बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं, आप सभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इनकी मस्तियाँ क्या रहती है, क्योंकि ना देखो हमारा मेन पर्पस दीदी यही था। हाँ। कि मैं लोगों को ये चीज समझा पाऊँ कि आप बेशक, देखो अगर आपने डॉग लिया, आप डिस्कस भी कर रही थी, मैं ये चाहूंगा कि आप भी ऑडियंस को ये समझाएं। हाँ। अपनी जो आपकी ऑडियंस है कि डॉग ले लेते हैं ऊपर उनका टाइम नहीं दे पाते उनको, फिर उनका क्या होता है दूसरे तीसरे दिन फिर वो कहीं किसी घर पे, या कई लोग तो इतने बुरा हाल है सड़कों पे भी छोड़ देते हैं। नहीं वो तो मतलब वो तो उनके बारे में तो मैं नहीं, इनकी बात ही नहीं कर सकते। बट मैं ये आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है डॉग
अगर आपको रखना है तो आप प्लीज़ उसके लिए आप देखिए, पहले सोचे दीदी हमें मुझे ये चीज़ पॉइंट दी है ऐड करने के लिए, बता भी रहे थे, बात कर रहे थे कि बजट भी लगता है यार, ये एक ऐसा नहीं है कि 5 डॉग की मेंटेनेंस देखिए, इनका फूड देखिए, हमारे को अगर इतना अच्छा डॉग हमने रखा है क्योंकि हम बच्चे की तरह पाल रहे हैं तो हम बच्चे को भी वही खिलाएंगे जो हम खुद खाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि अगर हम एक बहुत हाई क्वालिटी हाई प्रोटीन हाई हर एक चीज़ को रख रहे हैं तो हम इनको भी, क्योंकि क्या होता है फिर इनको मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है उसका भी एक अलग से सीन रहता है। नहीं तो मतलब वही है ना कि इनका खाना पीना, इनका ग्रूमिंग, फॉर एग्जांपल अभी जो ये तीनों हैं वो फर वाले हैं तो उनको हर लाइक आफ्टर एवरी 8 वीक्स मैं इनको ग्रूमिंग के लिए लेके जाती हूँ, जहाँ के बाल कटाना है सब। नहीं तो इनको मेडिकल इश्यूज होते हैं, मेडिकल आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 5 में से 4 कुत्तों को स्किन इश्यूज हैं, और स्किन इश्यूज मतलब कौन से, तो इनको मॉइस्चराइजर लगता है और वो इनको लगते हैं, उनका मेंटेनेंस है, वरना उनको दे स्टार्ट इचिंग, उनको ड्राई स्किन हो जाती है। सो अभी दिन हम थोड़ा सा इनके साथ मस्ती करते हैं, देखते हैं कि इनकी इतनी मस्तियां कैसे रहती हैं। नाउ वी विल सी द बॉडी। यस 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 ये देखो बिल्कुल आराम से पड़ा हुआ है। अब जैसे इसमें से आवाज निकलेगी बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा। ऑब्वियसली यस जी। वो सारे काम तो खड़े हुए हैं बट किसी का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किसी का नहीं है, ये सिर्फ मैं बोलती हूं सबसे बुजुर्ग यही है और सब में बचपना, ये एग्रेसिव है बिल्कुल भी नहीं। हेलो बिल्कुल, हेलो बॉय, हेलो, बड़ा स्मार्ट है यार ये। तो थैंक यू सो मच दी, आपने टाइम दिया एंड स्पेशली मैं मुंबई था, मुझे था कि मैं अब आया हूँ तो आपसे बिना मिले नहीं जाने वाला, और साथ ही साथ इन बच्चा पार्टी से तो मैं ऐसे नहीं बिना मिले जाऊंगा। बस मैं एक बार चाहूंगा कि हम अगर उसको दिखा सकते हैं ना आपके शैंपेन को, मुझे वहां पे बैठना पड़ेगा। हाँ आप प्लीज चलिए, क्योंकि शैंपेन के बारे में कितना कुछ जिक्र किया, सबसे I'm very proud कि हम आज चैंपियन से मिल रहे हैं जो कि मतलब एक इतना एग्रेसिव डॉग हुआ करता था, एंड ऑल थैंक्स टू यू एंड भैया को बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको थैंक, वीडियो में भी मैं उनको थैंक यू कहता हूं अगर वो देखते हैं तो। शैम्पू बाबा को मेरे को देख रहा है वो, जब भी आप फ्री होते हो तो पूरा दिन तो इन्हीं में निकल जाता होगा, पूरा दिन 4 दिन शूटिंग, हाँ, तीन दिन इनके बस है ना, वो 1 हफ्ते का 2 हफ्ता बन जाता होगा आराम से। बट राइट नाउ ही इज अग्रेसिव ओनली बिकॉज़ वो मेरे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे पास हो। वो तो चलो यार, इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव। अभी मैं उसके पास हूं, देखो उसका एकदम ग्राउंड। कई डॉग तो इतने लल्लू होते हैं, मैं मेरे पर्सनली का एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं किसी एक फ्रेंड के घर पे गया डॉग से मिलने, वो डॉग मेरे पीछे पीछे मेरी गाड़ी में बैठ गया, चल मुझे लेके चल। मैं कहा भाई तेरा मालिक वो है, मैं नहीं हूं। कह रहा तूने मुझे प्यार किया, तू मेरा मालिक। मैं कहा जा यार, तू डॉग है क्या, तू बिल्ली भी नहीं, बिल्ली तो आपका स्कैट भी तो है दी, मेरे मायके में है, है ना, आपका दो कैट है, दो पर्सन कैट है। कैट्स अच्छी, मतलब देखो वो अलग चीज है आपका, पर मेरे हिसाब से आप क्या कहते चाहते हो कि कैट्स ज्यादा प्यारी होती हैं या डॉग्स? नहीं देखो, एक तो ना कैट्स और डॉग्स में कोई कंपैरिजन नहीं है, एब्सोल्युटली, बट एज अ पेट, बट आई एम अ डॉग पर्सन। चंडीगढ़ जब भी आपका प्लान बनता है आपको जरूर आना है, इनवाइट की हम वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आई होप मैं आपको नई चीजें एक्सप्लोर करवा सकता हूँ, तो मेक श्योर की आप जब भी नेक्स्ट आप उधर साइड आएंगे तो हम कुछ और भी फिर शूट करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं जब भी आऊंगी चंडीगढ़ आपके लिए एक अलग प्लान बना के आऊंगी कि पुलकित मुझे अपना चंडीगढ़ दिखाएगा। और मेरी नजरिए थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड होप